फर्रुखाबाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में लिंजीगंज मार्केट में की छापेमारी। सरसों तेल व्यापारी के गोदाम पर भारी पुलिस फोर्स के साथ की छापेमारी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने शुरू की जांच पड़ताल। भरे तेल के नमूने तेल गोदाम के गेट पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर रोका गया। सभी का प्रवेश छापेमारी के दौरान मिले सरसों के तेल के खाद्य सुरक्षा टीम ने भरे सैंपल। खाद्य सुरक्षा टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी से तेल व्यापारियों में मची भगदड़। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के लीजीगंज बाजार का मामला। सरसों के तेल में मिलावट की अभिसूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदय फर्रुखाबाद के आदेशों के अनुपालन में नगर मजिस्ट्रेट श्री सतीश चंद्र की अगुवाई में आज दिनांक 16 जनवरी को लिंजीगंज स्थित गणेश प्रसाद स्ट्रीट स्थित श्री विशाल गुप्ता और राजू के परिसर पर FSDA की टीम ने छापा मारा तथा वहां सरसों का तेल थोक में विक्रय होते हुए पाया। सरसों के तेल में मिलावट का संदेह होने पर दो नमूने वास्ते जांच संग्रहित किए गए हैं तथा लगभग 1388 लीटर सरसों का तेल, जिसका बाजारू मूल्य 105 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 1,45,740 रुपये होता है, को सीज कर खाद कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में दिया। नमूने की जांच रिपोर्ट आने पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। मैं सहायक आयुक्त खाद टू फर्रुखाबाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।